अच्छा इस्लाम की खूबसूरती बताओ। रुको जरा, अगर तुमसे कोई पूछे बताओ इस्लाम की खूबसूरती तो उससे कहना बीवी का दूध पी सकते हैं। बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। बीवी और किस लिए होती है? बेशक। क्या बढ़िया था गुरु। तो राम राम मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस चलचित्र में। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। मोदी जी को ज्यादा काम ना करना पड़े इसीलिए कांग्रेस को वोट डाल के आई हूँ। जब तुम हमारे मोदी जी का इतना सोच रही हो और कांग्रेस को वोट दिया तो सोच तू अपने पति का कितना सोचती होगी कि उनको ज्यादा मेहनत ना करने पड़े। समझ रहे हो ना। 10-11 जो बच्चे हैं वो तुम्हारे पति को बचा कर तुमने देवर से, जेड से, ससुर से हलाला करके मेहनत से नहीं किए हैं। हो सकता है उन्हीं की मेहनत हो। मुझे अपने घर जाना है। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। ये संविधान खतरे में है, अगर मोदी जी आ गए तानाशाही आ जाएगी। क्या लगता है कि जनता को भरोसा दिला दिए इसी वजह से सारे? भैया कैसा तानाशाह, जो ईवीएम हैक नहीं कर पाया और बहुमत नहीं ला पाया, कैसा तानाशाह। जो कांग्रेस को 99 दे दिया, कैसा तानाशाह। ये तानाशाही होती है क्या? तानाशाही तो होती है कि लट गाड़े भैया सारा ईवीएम खराब खराब था, जैसे खटाखट 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 लखनऊ से लेकर के बैंगलोर तक। जो हमारी दलित और जो अल्पसंख्यक बहने, गरीब बहने, जो इनका गारंटी कार्ड लेकर फॉर्म भर करके लगी है कि भैया 8500 दे दो। न्याय पत्र, न्याय पत्र नहीं, गारंटी पत्र। कांग्रेस भवन में जो खड़ी है और कह रही है कि भैया हमारे 8500 खटाखट खटाखट दे दो। अगर ये तानाशाह होता ना, घूमता गाड़ता और कहता खटाखट खटाखट खटाखट, ईवीएम और सारे सीट मेरे। बात तो सही है। असलम भाई कटिंग कर दो यार, जल्दी कर दो भाई। अरे असलम भाई यदि तुम्हारी है वैसी कर दो यार, मैंने ऊपर की कटिंग की बात करी थी। अरे खतरनाक लोग हैं। दोस्तों आप अयोध्या स्टेशन का हालत आप देख सकते हो, आप चारों तरफ देखेंगे पूरा खाली ही खाली है, कोई यात्री नहीं है यहाँ पे, श्रद्धालु नहीं है, क्योंकि 4-5 तारीख के रिजल्ट के बाद यहाँ पे बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, और वो आ भी रहे हैं तो कोई भी सवारी नहीं दे रहे हैं, कोई भी मतलब ट्रांसपोर्ट को यूज नहीं कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं और जितना हो सके यहाँ के लोगों को बॉयकट कर रहे हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। यहाँ के लोग गद्दार हैं, यहाँ हम लोगों को मार डाला बिल्कुल। गवर्नमेंट चली गई, यहाँ से जीत जाती और सब जगह से आ जाती तो बहुत बढ़िया, नाम होता, राम जी का नाम होता। सीता जी को नहीं छोड़ा इनने, सीता जी वनवास काट के आई थी, फिर भी सीता जी पर कलंक लगा दिया। तो यहाँ तो गद्दार लोग हैं साहब, धंधा था, धंधा खत्म हो गया बिल्कुल, धंधा चौपट हो गया, कोई नहीं आता, लोकल का आदमी कुछ नहीं लेता। क्या कहते हैं लोग? कहते हैं कि जब तक सन 2027 तक अयोध्या के लोग सुधार नहीं लाएंगे तब तक यहाँ पर एक रुपए का बिजनेस नहीं देंगे हम लोग। धंधे पे तो बहुत बड़ा असर आ गया है। हाँ, सब लोग यहाँ पर आलिक खिन्न भिन्न हो गए हैं, कहते हैं यहाँ अयोध्यावासी का अपना धंधा, कोई प्रसाद लेंगे ना कुछ लेंगे, बहुत बम्पर फर्क आ गया। अच्छा। हाँ, धंधा धंधा कहते हैं हम कुछ लेंगे नहीं ना, प्रसाद भी घर से लाकर चढ़ाएंगे। कहाँ से आए? हम तो गोंडा से हैं। गोंडा से क्या पैसा कमाते थे? हाँ, हम लोग कमाते थे कि नजदीक में रोजगार मिल गया। अब यहाँ पर हमारे वहाँ तो कैसरगंज से ब्रिजभूषण को हम लोग बीजेपी से जिताया है। अच्छा मुझे बताओ, आप कह रहे थे कि मुझे बीवियों ने भी मना किया है, कितनी बीवियाँ आपकी? मेरी 4 बीवी हैं। कैसे संभालते हैं उनको? अब ये ना डेंजरस है, बहुत आगे तो डेंजरस है, वेरी डेंजरस। लव मैरिज है उनसे या अरेंज मैरिज है? दो लव मैरिज, दो अरेंज मैरिज। कितने ज्यादा प्यार करते हैं? बच्चे कितने हैं आपके? जी मेरे 14 हैं। वो भी ऐसे ही साइकिल चलाते हैं? नहीं, एक चलाते हैं, मुनीब रहमान। मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं आपकी 4 बेग मात है, 2 आपकी लव मैरिज है, 2 आपकी अरेंज मैरिज है, साइकिल पे कितने को बिठाया आप? 2 को बिठाया मैंने, एक को इधर एक को इधर। खुद किधर जाते हैं? खुद मैं देखिए आपके सामने हूँ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस्लाम में 4 के अलावा की इजाजत है, आपने तो 4 और कर लेनी। बिल्कुल कर लेता।
देखिए ये है अंधभक्त लॉजिक, ठीक है, अंधभक्त लॉजिक, ठीक है, अंधभक्त लॉजिक है। तुम्हारी शक्ल देख के तो वेस्टर्न कल्चर वाला बुड़बक लग रहे हो, तू ध्रुव राठी के चेले बन रहे हो। तुम्हारे जैसे 36 घूम रहे हैं, जो प्राइवेट प्रमोशन कर रहा है वो ध्रुव राठी जर्मन शेफर्ड उसकी तरफदारी कर रहे हैं, चार लोग खड़े होके। तो तुम लोग यही काम शुरू कर दो ना, ये गिटार बजा के आया तो वही क्या आप बता लोगे गिटार? अरे बजी तो तब भी कांग्रेस की है। भाई साहब आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ, मैन काइंड सुनाऊ? सुनाओ, मैं सुना दूंगा, आप सुना दोगे फिर जो मैं बोलूंगा? सुनिए भाई साहब, सुना रहा हूँ मैडम, अगर मुझे मैं गलत हूँगा तो मुझे बताइएगा। INDUSTRY इंडस्ट्री, ये फार्मा इंडस्ट्री का चक्कर, ये यही है, यही है पप्पू यूनिवर्सिटी। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकार। अरे मैम आपको सिर्फ चाहिए पढ़ाई तो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लो, सारा आंसर दे दूंगा मैं। सच्ची में? हाँ, एक बार पूछ के तो देखो। ठीक है, बताओ ताजमहल किसने बनाया? ताजमहल तो मजदूर ने बनाया। मतलब किसने बनवाया है ताजमहल? ये तो पड़ा था शाहजहान। हाँ ताजमहल तो ठेकेदार ने बनवाया। रोजा रखने के लिए जिसमें ताकत नहीं, दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। किसकी मोहब्बत होनी चाहिए? दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? दिल में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। मजा नहीं आया, दूसरा दूसरा कुछ दूसरा बनाओ। ये अल्लाह खुश हो मोहल्ला खुश होना चाहिए। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, अपने भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर करना। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। जब खरगोश छटपटाने लगे, लक्कड़ बग्गा लड़खड़ाने लगे, गीदड़ भपकियाने लगे और घड़ियाल आंसू बहाने लगे, तो समझो इस बार मचेगा घमासान। गर्दा कटने वाला है, पर्दा फिर से हटने वाला है, क्योंकि बात होगी बपोती की, बकैती की, बवाल की, क्योंकि बात होगी जंगल के भोखाल की।